मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो। तो बच्चों, आज की क्लास में हम भारत के बारे में जानेंगे। भारत की जो हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो क्या है, भारत में कितने राज्य हैं, कौन कौन सी मुख्य भाषाएं हैं, कौन कौन से त्योहार पर्व पूर्ण के बारे में हम अब आने वाली कक्षाओं में जानेंगे। तो बच्चों, जैसे आपको पता है हमारे देश का क्या नाम है, हमारे देश का नाम भारत है, इसको हम इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत हम इसको हिंदी में कहते हैं और जो इंडिया है इंटरनेशनली जो नाम है इंडिया के नाम से जाना जाता है, इंडिया भारत। जो प्राचीन भारत का नाम रहा है वो आर्यवर्त रहा है, इंडिया भारत। और अगर हम वैदिक या पुराने समय की बात करते हैं तो जो भारत का नाम आर्यवर्त रहा है। बीच के समय में हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आपने सुना होगा। तो इंडिया भारत ये हमारे देश के मानक नाम है जिनसे इनको पुकारा जाता है। तो जब हम भारत की कहां, अगर हम पृथ्वी के उसमें देखते हैं कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है कहां पड़ता है भारत, उसके बारे में, तो जो भारत है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। जो भौगोलिक स्थिति है वो, अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं, ग्लोब पर जब हम देखते हैं तो उसका जो उत्तरी गोलार्ध है पृथ्वी का, तो उसमें भारत की स्थिति है। तो इसके जब हम लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल उसकी प्रसारण की बात करते हैं कि कहां कहां तक भारत का जो फैलाव है वो है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो बच्चों, अच्छा, तो बच्चों अब आपको भारत का मानचित्र दिखाते हैं। ये जो मेरे पास है ये भारत का मानचित्र है, ये वाला भारत का हमारा मानचित्र है। आपने अनेकों बार इस मानचित्र को देखा होगा। हाँ, तो ये हमारा भारत का मानचित्र है। तो अब इसके बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत के मानचित्र में, इसकी जो मानचित्र है भारत का, इसकी क्या क्या विशेषता रहेंगी, यानी कि जो ज्योग्राफिकल वो है वो भारत की क्या क्या रहेंगी। तो बच्चों, अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो भारत का जो स्थिति है वो उत्तरी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो जो भारत है वो हुआ हमारा उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में भी जो इसके लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसके बारे में हम जानते हैं। अगर हम बात करते हैं तो जो भारत यहां से शुरू होके, यहां से जो इसका ये वाला है, तो ये पड़ता है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यहां जो वो है ये शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। और जो भारत का ऊपर वाला जो हम बात करते हैं लद्दाख जम्मू कश्मीर, उसकी जो लद्दाख वाला हिस्सा है यहां तक की, तो ये हमारा पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये पड़ता हमारा 37 डिग्री 6 मिनट तक।
तो लगभग लगभग जो भारत का फैलाव है यहां से लेके हमारा यहां से लेके और यहां तक पूरे उत्तर दिशा तक, तो ये लगभग लगभग हमारा 30 डिग्री के लगभग पड़ता है, 29 डिग्री के लगभग पड़ता है उत्तरी उसमें। तो और ये जो अगर हम दूरी की बात करते हैं, इसकी लंबाई की बात जो हम करते हैं, इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा लगभग लगभग यहां से लेके यहां तक, तो ये 3214 किलोमीटर पड़ता है। तो हमारा कुल 3214 किलोमीटर पड़ता है यहां से लेके हमारा, अगर हम बात करते हैं यहां से लेके और वहां तक, तो ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट यहां से स्टार्ट होके और यहां तक लद्दाख के ऊपर वाले हिस्से तक, ऊपर वाला 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और यहां 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहां ये हमारा हुआ 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर जो हुआ वो हुआ हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो ये कुल जो हमारी दूरी हुई, यानी कि जो भारत की अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक, तो ये हमारी पड़ती है 3214 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण जो भारत का फैलाव है वो 3214 किलोमीटर है बच्चों। भारत का जो फैलाव है उत्तर दिशा में, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी पड़ेगी, 3214 किलोमीटर। कितनी होगी बच्चों, 3214 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं इधर से इधर की, ये पूरब है ये पश्चिम है, ये हमारी उत्तर दिशा, ये हमारे भारत में दक्षिण दिशा पड़ती है। तो अगर हम पूरब और पश्चिम के दूरी की बात करते हैं, ये पूरब ये हमारा पश्चिम, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारे भारत का है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर से लेके, और वो हमारा पड़ता है टोटल 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। और ये कुल फैलाव हमारा हो जाता है 2933 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं इस दूरी की, तो यहां से गुजरात से लेके और उधर ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है यहां तक, तो इसकी जब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकली, तो ये जो दूरी है वो हमारी पड़ती है 2933 किलोमीटर की। कितनी पड़ती है बच्चों, ये 2933 किलोमीटर। तो 2933 किलोमीटर हमारी ये पड़ती है। तो जो मेन लैंड हमारा है, अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, जो हमारा पूरा भारतवर्ष है ये, इसकी हम क्षेत्रफल की जब बात करते हैं, तो पूरे भारत फल का जो क्षेत्रफल है वो कितना पड़ता है, वो पड़ता है 32,87,263 किलोमीटर। जो एरिया है भारत का ज्योग्राफिकल, जो अगर क्षेत्रफल की हम बात करते हैं भारत का, तो जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल पड़ता है 32,87,263 किलोमीटर, जो एरिया है टोटल भारत का ये रहता है।
और भारत विश्व में जो यह क्षेत्रफल है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो विश्व में इसका क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है विश्व में, 7वां स्थान क्षेत्रफल के हिसाब से। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वें नंबर पर आता है। तो कुल क्षेत्रफल कितना हुआ? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारा हुआ। हाँ, तो फिर हम बात करते हैं भारत की कि इसका जो ये देखिए, भारत अब पड़ोसी देशों के साथ भी जुड़ा हुआ है। वो कौन कौन से देश हैं? जैसे पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश है। मुख्य रूप से आप सभी को ध्यान होंगे, कुल हमारे 9 जो हैं बाहरी देश हैं, विदेश जो हैं, उनके साथ है। हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं, 7 के हम लैंड एरिया शेयर करते हैं और 2 का हम कोस्टल एरिया शेयर करते हैं। तो भारत की जो स्थलीय लैंड बाउंड्री है तो उसकी लंबाई कितनी है? अगर हम बात करें यहां से जो कि ये जैसे यहाँ पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ ऐसे इस प्रकार से, फिर अफगानिस्तान के साथ ऊपर जुड़ा हुआ है, फिर इधर चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, तो ऐसे हमारा बांग्लादेश के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है और इधर हमारा म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ देश है। तो अगर हम कुल जो थल सीमा जो भारत की उसकी अगर हम बात करते हैं, थल सीमा की, तो जो भारत की थल सीमा रेखाएं हैं उसकी लंबाई अगर हम बात करते हैं तो कुल कितनी है? वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। जो अप्रोक्सीमेटली जो थल सीमाएं कहां कहां जो लगती हैं, वो 7 देशों के साथ हमारी जो लगती हुई सारी की सारी, ये यहां से यहां ऐसे ये होते हुए ऐसे, तो इसकी जो लंबाई है वो जो हमारी थल सीमा रेखाएं जो है हमारी वो 15,200 किलोमीटर है। और जब हम बात करते हैं इसकी कोस्टल लाइन की, यानी कि जो समुद्री सीमाएं कितनी है, सागर जो सीमाएं हमारी हैं समुद्री जो है वो हमारी 7,516 किलोमीटर है। लगभग 7,516 किलोमीटर जो सागर की जो लंबाई है दूसरे देशों के साथ। तो 2 देशों के साथ हमारी जो लगती है, एक श्रीलंका के साथ, इसके साथ, और दूसरी किसके साथ? मालदीव के साथ। 2 ही देशों के साथ जो हमारी है समुद्री जो सीमाएं हैं वो लगती हैं। तो अच्छा बच्चों, एक बार से फिर हम रिवाइज करते हैं। जो हमारा भारत है उसको अंग्रेजी में हम इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं। और इसका जो विश्व के ये उत्तरी गोलार्ध में आता है, और जो इसका फैलाव है वो अगर हम बात करते हैं, अगर लेटिट्यूड की, अक्षांश की अगर हम बात करते हैं, तो 8 degrees 4 minutes से शुरू होके 37 degrees 6 minutes उत्तर तक है, यहां से यहां तक। यानी कि ये यहां जो हमारा स्थान आता है भारत का 8 degrees 4 minutes तक, और ऊपर जो लद्दाख वाला, जम्मू कश्मीर से ऊपर लद्दाख वाला जो एरिया है वहां 37 degrees 6 minutes तक। पूर्व और पश्चिम की जब हम बात करते हैं तो 68 degrees 7 minutes पूर्व से लेके 97 degrees
25 मिनट पूरब तक जो भारत का फैलाव है। और इन दोनों के बीच की अगर हम दूरी की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण यहां से यहां तक 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई बनती है, और ये जो पश्चिम पूर्व की दूरी है ये हमारी बनती है कुल 2933 किलोमीटर। और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व में सातवां स्थान है भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से। थल सीमा की भारत की बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर, और जो समुद्री सीमा है उसकी अगर हम बात करते हैं तो 7,516 किलोमीटर। तो बच्चों आपको ये फैक्ट्स ध्यान आए होंगे और ध्यान रखने हैं, अगली कक्षा में हम पुनः इसकी दोबारा से चर्चा करेंगे।